विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी ने माहौल को गर्मा दिया है। कांग्रेस की तरफ से जहां हुड्डा पिता पुत्र मोर्चा संभाले हुए हैं, वहीं बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मैदान में हैं। इसी क्रम में रोहतक सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आरोपों पर सीएम सैनी ने पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस सांसद पर तंज कसते हुए कहा कि जो नेता 4 फीट का आलू उगाने की बात करे उसे क्या ही विकास दिखाई देगा। देखिए, वो आलू को 4 फुट का बता दिया, उन्हें विकास कहाँ दिखाई देगा। दीपेंद्र हुड्डा को एक आलू 4 फुट का दिखाई देता है, फिर विकास कहाँ दिखाई देगा, क्या विकास हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि बौखला गए। और जब व्यक्ति बौखला जाता है, इनकी दुकान में सामान नहीं बचा, झूठ का सामान है, झूठ बोलते हैं, और ये झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। 8 तारीख को हरियाणा प्रदेश की जनता इनको सबक सिखाने वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ के बादली से चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार बादली समेत सभी हलकों में भाजपा को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मार्जिन के साथ बनने जा रही है। देखिए आदरणीय धनखड़ जी, आज बादली की सरकार का आशीर्वाद लेकर के अपना नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं, और जो जोश जो उत्साह मैं बादली के अंदर देख रहा हूँ, वही जोश वही उत्साह मैं कालका के अंदर भी देखता हूँ, वही जोश वही उत्साह मैं नौरनौल में भी देखता हूँ, और वही जोश उत्साह शिक्षा में भी देखता हूँ। लोगों ने मन बना लिया है हरियाणा प्रदेश के कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ आएगी, और यहाँ बादली से जो जोश उत्साह था मैं उसके ऊपर बोल सकता हूँ कि बादली में कमल का फूल खिला करके बादली के लोग चंडीगढ़ लेकर आएंगे। बता दें कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने भी बुधवार को सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। धनखड़ 2014 में यहां से चुनाव जीत चुके हैं, हालांकि 2019 में कांग्रेस के कुलदीप वत्स के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वत्स एक बार फिर कांग्रेस की टिकट पर यहां से मैदान में हैं। ऐसे में बादली का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। झज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।